सर्दियों के टाइम अगर सबसे मुश्किल कोई काम होता है तो वो है ठंड में गाड़ी चलाना। ऐसे में सभी लोग यही चाहते हैं कि वो गाड़ी चलाते हुए हीटर का इस्तेमाल करे, लेकिन समस्या ये होती है कि हीटर चलाने पे गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है और यही वजह है कि लोग अपनी गाड़ी में हीटर नहीं चलाना चाहते। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो हीटर चलाने के बाद भी आपकी गाड़ी का एवरेज कम नहीं होने देगा। पर हम आगे बढ़े उसके पहले प्लीज आप हमारे चैनल एनजी हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। इन तरीकों की बात करें तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप जब गाड़ी को चालू करें तो उस वक्त हीटर को ना चालू करें। गाड़ी चालू होने के समय इंजन ठंडा होता है और इसीलिए तब हीटर चालू करने पर ज्यादा ईंधन खर्च होता है। लेकिन अगर आप गाड़ी चालू करने के कुछ देर बाद हीटर को चालू करते हैं तो इंजन पर कम लोड पड़ता है और बिना ज्यादा खर्च के आपकी गाड़ी के अंदर गर्मी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप हीटर चालू करते हुए एसी का बटन ना दबा दे। आपको शायद ये जोक लगे, लेकिन अधिकतर लोग हीटर के साथ ही एसी का बटन भी दबा देते हैं और इसी वजह से एसी और हीटर दोनों ही चलते रहते हैं और आपको ठंड भी लगती रहती है। और इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि गाड़ी का एवरेज कम हो जाता है। अगर आप सिर्फ इन दो तरीकों को अपना लेते हैं तो आपकी गाड़ी में हीटर चालू होने के बाद भी एवरेज कम नहीं होगा। तो अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।